हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने और मेरे बच्चों ने दिवाली के लिए कुछ बनाया है जो कि एकदम कम बजट में घर के सामान से देखने में बेहद खूबसूरत और मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सुबह का 9:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने घर में जितने हैंगिंग्स टंगे हुए थे, फ्लावर्स वगैरह थे, सबको मैंने सोचा चलो वॉश कर देती हूँ, तब तक वो सूखते रहेंगे। उसके बाद घर की धुलाई वगैरह भी मुझे करनी है। तो एक बड़ा सा ये फ्लावर पार्ट जो होता है कॉर्नर वाला, उसमें का ये फ्लावर है, इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जितने फ्लावर्स एंड हैंगिंग्स टंगे हुए थे सारे मैंने उतार लिए हैं। अभी इसको चलती हूँ धुलने के लिए। ये देखिए कितना सारा डस्ट हो गया है इस पर। ये इस तरह से ये था, ये सारे फ्लावर्स वगैरह भी सर्फ घोल के इसको धुल दूंगी। और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत गणेश जी का एक फेस है, ये उतर नहीं सकता है, पूरा लॉक हो गया है। इसे मैं ऐसे ही साफ़ कर दूंगी कपड़े से। ये मेटल के हैं, मैंने एक एग्जीबिशन से ख़रीदा था। और मैंने सारी चीज़ों को उतार के रख लिया है। यहाँ पे एक ये रह गया था तो ये खुल नहीं रहा था तो इसे मैंने चाकू से काट लिया, इसे भी उतार लिया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैं उनसे लेके जा रही हूँ बाथरूम में थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए मैं इसे सर्फ में भिगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ भिगा दिया है और थोड़ी देर में मैं इसे साफ़ कर दूँगी। और ये जो फ्लावर्स वगैरह ना, इस पर सिर्फ धूल जमी होती है तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे बस थोड़े से धुलने के बाद। और यहाँ पर मैंने देखिए सब कुछ धूल के बालकनी में डाल दिया है। ये देखिए इस फ्लावर जो है इसको मैंने ऐसे रख दिया है कि इसका पानी निकल जाए, ये वाइट वाला फ्लावर है। और बाकी जितने तोरण वगैरह थे ना, ये थोड़ा सा मंदिर वाला तोरण उधर वाला है, उससे ज़्यादा गंदा हो गया था तो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। और ये देखिए सारे फ्लावर्स इस तरह से मैंने टांग दिए हैं, फ्लावर पॉट वगैरह है सब धुल दिया है। और जितना हैंगिंग्स था और ये तोरण था बाहर के साइड मैंने ऐसे लटका दिया है बालकनी में। और देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो पंखे साफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि पंखा वगैरह सब साफ़ कर दीजिए ताकि बैटरी हटा दे। और फिर हमने एक पूरे घर की धुलाई की, फिर मैं किचन में गई और किचन की पूरी डीप क्लीनिंग की, पूरा छिपछिपा हो जाता है ना वो जो रैक होता है यहाँ पे। ये देखिए लॉ ने बनाया है ये क्राफ्ट काफ़ी सुंदर, इस पर दिया रखने के लिए वो जो लाइट वाला दिया होता है बैटरी वाला वो रखेंगे। तो यहाँ इस पर लगा रहा है मैगनेट तो वो मैं चिपका रही हूँ, उसे गर्म करके लगाना है। ये ग्लूगन का जो स्टिक होता है बहुत यूज़फुल होता है, बड़ी अच्छे से चीज़ें लग जाती हैं। तो इस पर उसने एक मैग्नेट लगाया है ताकि इसे फ्रिज पे या कोई भी लोहे वाली चीज़ पे इसे स्टिक कर सके। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से ये अलमारी पे मैं लगा रही हूँ। तो अलमारी पर ना लग तो जा रहा था लेकिन फिर गिर रहा था क्योंकि इसमें ना बहुत मोटा पेंट हो रखा है थोड़ा सा ना, और इसका सर्फेस भी स्मूथ नहीं है। तो इसलिए यहाँ चाबी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सपोर्ट देके मैंने कर दिया है। लेकिन फ्रिज पे बहुत अच्छे से लग जा रहा था, ये फ्रिज मैग्नेट की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मेरे फ्रिज पे इतने सारे फ्रिज मैग्नेट हैं, मुझे बहुत पसंद है फ्रिज मैग्नेट लगाना। तो जगह जगह के मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से लेके आती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक कैंडल भी रख दिया, ये वाला कैंडल बहुत सही रहता है क्योंकि ये भारी नहीं होता है और देखने में सुंदर लगेगा। और ये देखिए मेरे नीचे वाले पोर्शन में, हम लोग सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर यह डेकोरेशन किया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये दो अलग अलग लोग हैं, लेफ्ट वाले जो हैं इनका देखिए बड़ी सुंदर लग रहा है तो मैंने वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स चलिए दिवाली के लिए कुछ बनाते हैं बढ़िया सा और बहुत ही कम बजट में। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये चुनरी पेपर, ये मैं 2 पीस लेकर आई हूँ, 5 रुपये का एक मिलता है। और कुछ चाहिए हमें कार्डबोर्ड, तो ये वाला जो डब्बा है डिलीवरी जिसमें आती है ना हमारा पार्सल आता है, वो कुछ ज़्यादा ही मोटा था तो साड़ी का डब्बा जो होता है वो सही है, थोड़ा सा पतला वाला चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये फेसियल किट था उसका डब्बा है। तो तोरण जो बनाना है जितना लंबा उसके हिसाब से काट लेंगे, मैं अपने मंदिर के लिए बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने ये नाप ले लिया है। और इतना लंबा ये नहीं था ना तो 2 पीस काट के मैंने इसे टेप से चिपका के इतना लंबा कर लिया है। उसके बाद इस तरह से जितने डिजाइन होते हैं ना चुनरी वाले पेपर में बीच में हाथी कलश, उस डिज़ाइन को काट लेंगे। और 10x10 का मैंने कार्डबोर्ड काटा है, उसके ऊपर ये डिज़ाइन को स्टिक करके, और लेस था मेरे पास वो लेस मैंने किनारे किनारे लगा दिया है देख सकते हैं। उसके बाद ग्लूगन से बहुत अच्छे से चिपक जाता है तो मैंने कैंडल रखा है उस पर ग्लूगन लगा के। और सारे जो इस तरह से मैंने स्क्वायर काटे हुए हैं उस बेस पे लगा देंगे जो ऊपर। यहाँ पर देखिए लॉ ने ये सब कुछ बनाया है, दिया पेंट किया, ये देखिए हंत का डिज़ाइन है तो उस पर उसने मेहंदी बनाई हुई है, वही बोला था मम्मी से भी दिखाओ।
तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा खूबसूरत सा तोरण बन के तैयार हो गया, बहुत जल्दी बन गया। बस कागज़ को काटा और इस ग्लू से मैंने उसे चिपका दिया है कार्डबोर्ड पे, सारी चीज़ों कैसे स्टिक कर दिया है। गोल्डन कलर का बहुत कम था तो यहाँ पे देखिए अलग से मैंने इसे कर लिया है। और गेंदे का जो माला आता है ना सजाने के लिए आर्टिफिशियल वाला, उसके नीचे मैं इसे लटकाऊंगी, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये मैंने ऐसे बना के रख लिया है, मुझे माला भी ख़रीदना है तो कल जाऊंगी तो ख़रीदूंगी। और ये देखिए दो हमने बच्चों के स्कूल से ख़रीदा, हमें एग्जीबिशन लगा हुआ था जिसका पैसा डोनेशन में जाएगा, तो वहाँ से दो उनके पापा ख़रीद के लाए थे। और ये वाला ना श्रेया ने बनाए हैं, मेरे कंगन थे दो, वो बाहर की जो डिज़ाइन है वो कंगन की, काफ़ी खूबसूरत मोती टाइप के हैं, कट बीट्स जो होते हैं उसके हैं, उसके उसने बनाए हैं सुगला, यहाँ पे देख सकते हैं ये वही है। और ये मेरा तोरण है, इस पर मैंने ना ये स्टोन भी लगा दिया, सॉरी मिरर्स, मेरे पास मिरर्स थे तो मैंने उसको भी चिपका दिया है। तो बहुत सुंदर सा हमारा तोरण बन के तैयार हो गया है, जिसको मैं कल डेकोरेट करूँगी, उसको मैं फिर दिखाऊँगी। और भी मुझे लेकर आना है मार्केट से कुछ सामान सजावट के लिए, फिर मैं डेकोरेशन करूँगी। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।